से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक एयरलिफ्ट के लिए। आपके जो फैंस हैं वो एक्चुअली मुझे से पूछ रहे थे कि अक्षय भाजी ने इस फिल्म में कैसे स्टंट्स किए हैं। इसमें कोई स्टंट नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं ये अपना जो माइक है निमृत की तरफ दूंगा। ओके, क्योंकि निमृत ने खास मुझे कहा है कि फिल्म के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बड़ी सीरियस किस्म की लड़की हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अक्षय, वेल डन। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1990 में 2 अगस्त को हुआ था, व्हेन सदाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत एंड ओवरनाइट 1,70,000 इंडियंस लॉस्ट देयर जॉब्स, देयर होम्स, देयर आइडेंटिटीज एंड अमंग देम वाज वन मैन हु लेड वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड अ वेरी लैविश लाइफ, द पाथ दैट इज बीइंग एसेड बाय माय को। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों में ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ, 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूं, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत, आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़के को, मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है, तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी मर्दानगी का सर। क्या मर्दानगी का फुल टॉप होने वाला है अभी, देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो, नहीं नहीं, हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया, मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, यू आर टोल्ड, थोड़ा सा आइडिया। बीच में अटक गए तो बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो। नहीं, लड़कियां छाई हुई है, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आप भी लग रही है, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग, मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है, आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग। चार लड़की इकट्ठी होके आ गई है, डरा रही है। कपिल, तो देखो तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कंग्रेचुलेशंस। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा, ओके, मैं हूं साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तो बच्ची क्या, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू। अरे लेकिन तुम्हें पता है, जब शशि कपूर साहब ने ये कहा था मेरे पास माँ है, तो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी थोड़े चुप हो गए थे। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की है, जितना उनकी कद काठी है उतनी किसी हीरोइन की है? जो माचो मैन की इमेज उनकी है, कभी औरतों की हो सकती है? अच्छा अच्छा, एनीवे इनफ, मैं तेरे दोनों बातों का जवाब देता हूँ। लड़कियों का कद इंडस्ट्री में कितना ऊंचा है और उनकी आवाज कितनी बुलंद है,
Please welcome my talented friend, the supremely amazing Farah Khan. ये तो आपने almost आदमी को ही बुला लिया सर. और साथ में very beautiful शिल्पा शेट्टी. Oh, oh. अब तू संभाल ले भैया. मैं चला. शिल्पा. हाय शिल्पा. हाय कपिल, जरा पास आइए. अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं आसपास? हाउ आर यू? हाउ आर यू कपिल? वेरी गुड. आई एम वेरी गुड. और पास. अरे कितना पास ना है बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको. हाइट ना आपने, तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है. ये तो बात सच्ची है. आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां. ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती, नेटवर्क आ जाता है. भगवान आपको उनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को. कपिल वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद. तू बहुत बोल रहा है अभी, भूल मत तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक. अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है. ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है. याद करिए फिल्म शोले, एक आदमी ने ही बनाई थी, रमेश सिप्पी साहब आपको सैल्यूट है सर. अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि वीमेन्स जो है सबसे आगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी. अच्छा ठीक है मैं मानता हूं की बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है. फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरुपा रॉय की वजह से, अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं. अच्छा उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी. देखिए ऐसे नहीं होता. अब देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी. अरे क्यों चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना. अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई. और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? चार चार हीरोइने थी उसमें इसलिए हिट हुई है. चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं. मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है. मैं सीरियसली फरा मैम एक मौका दे रहा हूँ. आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है. डिस्काउंट? जी. अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा. डांस? डांस तो दिखाना होगा. कपिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी. आज हो जाए शिल्पा भी है, कपिल यही मौका है. एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर. What kind of dance you want to do me? Do me? I definitely Indian, don't want to do Arabic, you. Latin, French, Indian continental, Chinese continental, what kind of? अच्छा डांस कर सकते हैं. अच्छा इतनी सारी ऑप्शन थी उनमें से चुनो ना कोई. अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो लेट्स सी इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस. ओके कैन वी हैव. इतने प्यार करने वाले लोग हैं सबसे कैसे मिल सकते हैं? सो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं आप सबको उसके रूबरू कराना चाहता हूँ. आइए मिलते हैं कि हम अपने घर बैठे फैंस से कैसे मिल सकते हैं या अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से. हाय हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन ब्रो. क्या नाम है आपका? अक्षुन महाजन. अक्षुन क्या करते हैं आप? सर मैं आईटीसी मोरे में जॉब करता था और अभी स्विट्जरलैंड पढ़ता हूँ. स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं? बड़ी अच्छी जगह पे पढ़ते हैं यार आप. तो अभी अभी आप जाग रहे हैं इतनी रात तक? ऐसी आपसे बात करनी थी बस मेरे को. अरे वाह यार, थैंक यू सो मच. अच्छा देख लो, अगर तुम सामने होते तो मैं माइक यहाँ पे लगाता. अभी देखो मैंने आपकी नाभी पे लगाया हुआ है. हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग टिकलिंग? यस सर. थैंक यू अक्षुन, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सर, इट वॉज प्लेजर सर. थैंक यू. थैंक
तो देखा आपने, इस तरीके आप दूर देश विदेश में बैठे अपने चाहने वालों से बात कर सकते हैं। चलिए आइए शो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे कमला पसंद से सचिन सचदेवा, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड श्रिया सरन। कमला पसंद सोशल वेलफेयर के फील्ड में काम कर रहे एनजीओ को उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट करती है। इस कड़ी में आज उन्होंने चुना है केयर इंडिया एनजीओ को, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पे आए और ये 11 लाख का चेक रिसीव करें। थैंक यू। और सोनाली जी कैसी हैं आप? आप भूल गई थी अवार्ड है, आपको लगा जागरण है शायद। अपने दर्शकों से एक एक मसले का हल चाहता हूं। एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, काफी बहस भी हुई शाम में कि कौन बेहतर है, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं। सो मैं ये सवाल जो है वो यहां बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा। तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूं। दीपिका सीरियसली, ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा। बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप। दीपिका आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणबीर तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को नहीं है यार। तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? हैं, पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना चाहती है। आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल, अच्छा बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह बॉलीवुड है। सर एक सेकंड, दीपिका बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी है ना, पास भी बुलाते हैं, मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम? सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ। जी जी। तो सॉरी भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है मतलब? मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस, सॉरी मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम? हाँ, ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़े छिड़के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है? शिमला मिर्च या मिर्च? शिमला मिर्च मतलब तीखी, लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए।
देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मैं कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे, हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्टार स्क्रीन अवार्ड्स। ये स्टार स्क्रीन का 22वां साल है आज, ये अवार्ड्स हम हीरोइनों से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि कोई भी हीरोइन 21 साल से बड़ी तो होती है नहीं। तो सबसे पहले give a huge round of applause for the Star Screen Awards. Aaj ki shaam hum... Excuse me. What is this happening? Excuse me. Rubbish. Nonsense. Hello. Hello. Tum yahan kya kar rahi ho? Ab Screen Awards pe aayi ho to sabziyan bechne to nahi aayi ho na? Are aap jaisi ladkiyan sabziyan bechna shuru kar de to hum sabzi wale na ban jaye. कपिल प्लीज गेट टू द पॉइंट, स्टार प्लस ने ये अवार्ड होस्ट करने के लिए हमें बुलाया है। जी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ये अवार्ड आज सिर्फ लड़कियां होस्ट करेंगी, यू नो गर्ल पावर एंड ऑल दैट। मैडम होस्ट करने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाओ, हम वहां मेहमान बनकर आ जाएंगे तब होस्ट करना। तुम्हें पता नहीं अवार्ड नाइट इज नॉर्मली होस्टेड बाय अस बॉयज। डूड तुम कहां से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण, तुम तो अच्छे खासे मर्द हो, शादी कर ली होती तो खुद के दो तीन बॉयज होते। ऐसा कभी नहीं हो सकता सोनाक्षी। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा मतलब ये था कपिल कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जगह ये लड़कियां ले ले। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं हो सकता? लड़कियां आजकल हर काम में आगे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, महिलाओं के लिए बस में जो पहली सीट रिजर्व होती है उसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हैं। आपने कभी देखा होगा ड्राइवर आपसे भी आगे बैठे होते हैं। Shut up, shut up, shut up. तुम लड़कियां बिना मेकअप के आधा घंटा रह सकती हो? You shut up. Never underestimate the power of a common woman. लो डायलॉग भी मारा तो आदमी वाला घुमा के। तो क्या हो गया? आजकल लड़की लड़कों में कोई फर्क नहीं होता। ये तो एक्चुअली मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए भी लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आज की लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चलती है। I'm taller by the way. तो हम भी तो कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हम कंधे से घुटना मिला रहे हैं यार। तुम लड़के तो दीपिका से भी कंधा नहीं मिला सकते, हाइट देखिए उसकी। एक्सक्यूज मी मैडम, लंबे होने से कुछ नहीं होता। आज भी जब शाहरुख खान झुककर बाहें फैलाता है तो सारी हीरोइन उसमें आराम से फिट हो जाती है। इसमें हीरो का नहीं हीरोइन का टैलेंट है, उन्हें हर रोल में फिट हो जाना आता है। तुम लोग कितना भी किसको भी सपोर्ट कर लो, कितना भी झगड़ लो, इस शो पर हम लड़कियां ही आज छा जाएंगे। राइट राइट किसी ने बोला ही नहीं अपनी तरफ से राइट। सर ये मानने नहीं देगी, हमें पता नहीं था कि शॉटगन की बेटी तोप निकलेगी। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज। Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations, दीपू, I'm really happy for you. Keep loving me. हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से?
सॉरी सेंसिटिव मुद्दे को सर. ओके ओके सॉरी सर. आप लग रहे हो सेक्सी सर. हेलो करण सर. हाय कपिल. हाय. यू आर द फनीएस्ट मैन इन द कंट्री. थैंक यू वेरी मच कपिल. यू मैन ब्रो. कीप जेलस. कीप जेलस. मूविंग ऑन. करण सर आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है. हाँ. अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ. दो मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा. कपिल तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया. मैं कह रहा हूं मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है. हाँ. आपको क्या लगता है सर लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत. आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को. मैं नहीं डरता हूँ सर. अभी देखना क्या होता है. तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो. देखना तुम्हारी मर्दानगी का क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी. देखना. अरे नहीं सर कुछ नहीं होता. आप देखो. नहीं नहीं हो क्या रहा है सर? सरप्राइज है. हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज. फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया. मत कीजिए. डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं टिल यू आर टोल्ड. थोड़ा सा आइडिया. बीच में अटक गए हम तो यार बीच बिचाले लटक गए. क्या कह रहे थे आप? हाँ जी मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है. अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह. सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ. नहीं नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता. सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं. Right? ये वो कमाल है. मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं लड़कियां छाई हुई हैं. प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें. एक सेकंड. आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे. आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े. आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए. आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग. मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ. आई डोंट लाइक दिस रूम. सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है. आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर? मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है. झाड़ू ले जाएंगे तो डराएंगे आप लोग. चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं. आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? What's a कच्छा? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर. यू सपोर्ट योर ट्राउजर. यू नो व्हेन एवर यू फील कच्छा यू फील कंफर्टेबल. इफ यू आर नॉट वेयरिंग कच्छा यू आर ऑलरेडी वेयरिंग ट्राउजर बट यू फील लाइक यू आर वेयरिंग नथिंग. हालांकि देयर इज समथिंग बट कच्छा इज अ वेरी अच्छा सर. I don't wear this kachha. आप कच्छा भी नहीं पहनते? Okay, okay, one second. इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाएं, let's start with the awards. Shall we? Playback singer female. सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो. आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं. ओहो ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूँ.